सर मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी है बिकॉज ऑफ मैंने अपना इंस्टीट्यूट और वीज़ा सर्विस के बारे में बताना है, अपनी फर्म के नाम के बताना है, जो जिसका नाम कनेडियन ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, ठीक है। हम वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर दैट आईएस इंस्टीट्यूट हमारे पास एड ऑन हुआ है। तो ये आपकी वीज़ा सिर्फ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए? नहीं, हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए भी करते हैं। तो क्या 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 सर्विसेज आपकी सारी प्रोवाइड? हम स्टडी वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, स्टडी वीज़ा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा। तो इतने सारे जो वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं मशरूमअप हो रहे हैं, तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? सर राजपुरा के लिए मैं बहुत कुछ न्यू लेके आया हूँ, जिसके अंदर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर बात करते हैं तो मेरे पास 60+ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, और हर एक कॉलेज की एक से बढ़ के एक कॉलेजेस है, एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटीज़ है। आफ्टर दैट हर एक कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप दिलवा रहा हूँ, अच्छे से अच्छे रेटिंग पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो यही खासियत है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके के लिए, तीनों के लिए। तो और क्या आपने बाकी? अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के लिए मेरे पास 35+ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, और अगर यूके की बात करें तो हमारे 10-12 मेरे पास है पड़े। क्या उसके बाद पीआर के लिए भी कोई सर्विसेज दे? नहीं, पीआर के लिए अभी स्टार्टअप नहीं किया। आपकी सिर्फ ये वीजा कंसल्टेंट्स और आईएलटीएस की कोचिंग है आपकी? आईएलटीएस और पीटी की। हाँ जी। आपके पास लोग क्यों हैं? आपके पास ऐसी क्या खासियत है? सर एक तो खासियत ये है कि हम पैसे वीजा लेने के लगने के बाद लेते, ठीक है। आफ्टर दैट जो स्कॉलरशिप्स, ठीक है, हम दिला सकते हैं, आसपास कोई भी नहीं दिला सकता। अगर मैं 10 से 15 किलोमीटर की बात करूं तो कितने देर का एक्सपीरियंस है? हमारे मेरे को 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस। चौधरी साहब, जैसे यानी आज और इंस्टीट्यूटों का हम फ्रॉड संबंध सुनते हैं और करते हैं, क्या आपका जो सेम ही प्रोसेसर है, सेम ही प्रोफेशन है, तो उसमें अलग क्या है आपका? अलग ये है, जैसे कि मैं और इंस्टीट्यूट्स की पहले बात नहीं करूँगा, मैं अपने बारे बात करूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई भी स्कॉलरशिप्स वगैरह दिलवा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर की दिलवा दी उसने, उसमें से पैसा करवाया और चला गया, उनको ये मतलब कि हम ये भी बताते हैं कि कहाँ तक आगे तुमने पैसे बचाने हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से, ठीक है, कहाँ पे तुम बचा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या अच्छी डिग्री लेके कहाँ जा सकते हो। आज सबसे बड़ी समस्या आज टाइम में ये है, बच्चा स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज है कि स्टडी वीज़ा कहाँ करने जा रहे हैं, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है। यह बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज़ के लिए हमारे पास आप आके कंसल्ट कर सकते हो, तो उसको ही आपकी समस्या का हल करेंगे, ठीक है। तो इसी कारण ये सर्विस हमारी बहुत अच्छी है, बहुत नॉर्मली है, बहुत नॉर्मल तरीके से एक एक एम्प्लॉय आपको सर्विस देगा, ठीक है, कि पता लगेगा कि हाँ कुछ है पड़ा यहाँ पे। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए था कि आपने क्या सोच के राजपुरा शहर के अंदर एक प्राइम लोकेशन पे जो आपने खोला है, ये सबसे प्राइम लोकेशन है शहर की, क्या सोच के आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला कि क्या आपको राजपुरा के, आप राजपुरा के रहने वाले और यहीं पे पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे क्या समस्या है ऐसी आ रही थी स्टूडेंट्स को जो आप उनका हल कराने के लिए आपने ऑफिस को? अगर मैं वीजा सर्विस की बात करता हूँ, ठीक है, जो सर्विस हमें नहीं प्रोवाइड हो हुई वो मैं प्रोवाइड करूंगा। आफ्टर दैट अगर आईएसपीटी की बात करें तो, ठीक है, आईएसपीटी हमने भी राजपुरा से ही करी है, जैसे कि मैं राजपुरा के पढ़ने वाला था तो उसी को ही सारा करके, ठीक है, तो हम उसको जो हमें समस्या आई थी उस समस्या को खत्म करके मैंने ये इंस्टीट्यूट वगैरह सर्विस प्रोवाइड की। कुछ स्टूडेंट्स ने आपको कुछ समस्याएं बताई है अपनी भी, हमें ये समस्याएं हैं इसका हल होना चाहिए? हाँ, हमें ये बताया गया कि गुमराह करते हैं कि हर एक इंस्टीट्यूट, मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में आईएसपीटी में ये चल रहा है कि जाके नाभा पेपर दे दो, पटियाला बठिंडा दे दो पेपर। ऐसा सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपकी नियर बाय प्लेसेस पढ़ती हैं आईएलटीएस की भी पीटी की एग्जाम देने के लिए, आप वहां पे जाओ और एग्जाम अपना क्लियर आउट करो। अब तक आपके पास आपने ओपनिंग कब की है इसकी? मैंने लास्ट वीक की है ओपनिंग। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कितनी आपके पास? मेरे को उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है इस बात का, मेरे को विश्वास नहीं था कि राजपुरा इतना रिस्पांस दे देगा मेरे को। क्या कहना चाहते हो जो स्टूडेंट्स बेचारे अपना दिल छोड़ बैठे हैं, अभी हम बाहर जा ही नहीं सकते सर? किस अगर स्टडी वीजे की बात करें ना, तो अगर आपको लगता है कि आप 1% जा सकते हो, 99% मैं बैठा हूं, मैं आपकी समस्या का हल करूंगा।
आप उनके कोर्स के बारे में भी गाइड करते हो कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस में, कौन से कॉलेज से करना चाहिए, इस बारे में कोई गाइडेंस है आपको? बिल्कुल, मैं जिसका जो रेलिवेंस कोर्स बनता है उसमें आगे जाके कैसे जॉब्स वगैरह लेनी है, कात कैसे पीआर करनी है, मैं आपको स्टडी वीजे के साथ पीआर तक लेके जाऊंगा। कई बार रिजेक्शन आ जाती है। हाँ जी, उनके उन बच्चों को क्या करना चाहिए, आप क्या सर्विस है उनके लिए आपके पास? सर अगर रिजेक्शन की बात करें तो मेरे लिए मैटर नहीं करती सर, रिजेक्टेड वीजा स्पेशलिस्ट है, ठीक है, एक बार ही रिजेक्ट हुआ, 10 बार रिजेक्ट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ एक बार कंसल्ट करो, सर्विस लो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ निकलेगा कि नहीं। और एक बात और, 10th के बाद जा सकते हैं, प्लस 2 के बाद जा सकते हैं? हाँ, 10th के बारे में बात करना चाहूंगा, राजपुरा में कोई कंसल्टेंट नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया हम स्टार्टअप कर रहे हैं, जो स्टूडेंट 15-16 साल की एज का है उसको ISPT की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास आ सकता है, उनका अगर कोई रिलेटिव रहता है वहाँ पे या कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ पे तो आप 10th के बाद बिना ISPT के भी जा सकते हो। राजपुरा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, भी जो बच्चे हैं उनको क्या मार्गदर्शन चाहिए, आप क्या करेंगे? सर क्या ये स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड है, अगर बच्चा आर्ट्स कॉमर्स का उसको इस टाइम इस सिचुएशन के अंदर आज के दौर के अंदर कहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, अगर कॉमर्स अगर नॉन मेडिकल मेडिकल की बात करते हैं, अगर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आके उनकी फाइल क्या बोलती है, उसको कहाँ भेजना चाहिए, आओ कंसल्ट करो उसके लिए, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस कंसल्टेंसी के भी कुछ चार्जेस रखे हैं आपने? हाँ जी सर। तो जो आपको सर सबसे कम, हम अपने आप ही वीजा अप्लाई करते हैं, हमारे खुद के टाई अप्स हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 60+ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ऑस्ट्रेलिया के हमारे पास, और उसके बाद कनाडा के 30-35 यूनिवर्सिटीज हैं, 10-15 यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हमारे पास यूके के हैं, और सारे मैं लेवल ए ग्रेड के टाई अप करता हूं, लेवल बी के ने भी टाई अप नहीं करता। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, हमारा जो राजपुरा एरिया है उसके साथ विलेजेस बहुत लगते हैं, गांव बहुत है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ ऐसे जरूरतमंद बच्चों के लिए भी कुछ आपने सर्विस रखी हुई है भी, कुछ उनको स्कॉलरशिप टाइप मतलब आप कह सकते हैं कुछ रखा हो कुछ ऐसा? सर मैंने लास्ट टाइम 100% भी स्कॉलरशिप दिलवाई है, जैसे 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए फीस होती है, जैसे एक यूनिवर्सिटी की अगर लगा के चले यूके की बारे बात करें तो 10-12 लाख रुपए अगर यूनिवर्सिटीज की फीसिज होती हैं तो मैंने 100% भी करवा रखी है, अगर बच्चे के मार्क्स वगैरह अच्छे हैं। अगर विलेजेस की बात करें, राजपुरा में मेरे को पहले DSG ने ये बोला था, संदीप जी ने ये पूछा था कि आप इनके लिए क्या कर सकते हो, जा क्या क्वेश्चन क्या कर सकते हो, मैं इतना नहीं भर सकते, मैं 100% तक स्कॉलरशिप दिला सकता हूँ, सिर्फ राइट नहीं किया हुआ वहाँ पे, हम दिला भी सकते हैं। चोई साहब, आपके पास जो टीचर्स यहाँ पे आपने रखे हैं, किस तरह के वो, किस तरह आपने उनका चुनाव किया, कैसे रखे हैं आपने टीचर्स? क्या क्वालिफिकेशन है जी उनकी? वेल, क्वालिफिकेशन उनकी बैचलर्स है, मास्टर्स है, ठीक है, स्पेशलिस्ट है, अगर PT की बात करें तो PT के अंदर वो स्पेशलिस्ट है, 5-7 साल का एक्सपीरियंस है उनको। एक अच्छा, अगर PT की बात करें, PT का जो मैंने क्लासरूम बना रखी है वो ऐसी बना रखी है कि बच्चे का पढ़ने का दिल करे और पढ़ाने वाले का भी पढ़ाने का दिल करे, ये बहुत बड़ी खासियत है, आओ सर्विस लो, मैं 101% की गारंटी लेके कहता हूँ, IELTS PT के अंदर जो आप बाहर 4 महीने में सीखते हो यहाँ पे 2 महीने के अंदर सीखो।